और सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके से अब बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने कांग्रेस के खिलाफ चलने का मन बना लिया है। कल ममता बनर्जी मुंबई के दौरे पर थी और यहां उन्होंने ये कहकर कांग्रेस को नाराज कर दिया कि यूपी अब बीते दिन की बात हो गई। ममता ने इशारों में राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े किए। ममता के बयान से नाराज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे पागलपन करार दिया। क्या यूपी अभी यूपी नहीं है। लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। टक्कर बीजेपी से है लेकिन यूपीए के पार्टनर आपस में ही तलवार भांजने लगे हैं। शुरुआत टीएमसी की तरफ से हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक सीमा का विस्तार करने मुंबई पहुंची थी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात हुई और यूपीए को कल की बात बताकर कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। क्या यूपीए अभी यूपीए नहीं है, एक अल्टरनेटिव स्ट्रांग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है लेकिन में रहेंगे। ममता यहीं नहीं रुकी, उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी की सियासी गंभीरता पर भी निशाना साधा और शरद पवार ने भी इसका समर्थन कर दिया। अच्छा है, हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ से दे लोग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए। इसी बात है, आज वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई वो फिर और व्यवस्था काम करने वाली लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई और इससे उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया। कांग्रेस को दरकिनार करते हुए ममता ने सभी क्षेत्रीय दलों को एक होने का आह्वान भी किया। ममता की राय में बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय दल की एकता जरूरी है। ऑल द रीजनल पार्टीज इफ वी कैन वर्क टुगेदर, रीजनल पार्टी बिल्ड अप द नेशनल पार्टी। इफ ऑल द रीजनल पार्टीज आर टुगेदर इट इज अ वेरी इजी गेम टू डिफीट द बीजेपी। ममता के इस बयानबाजी पर कांग्रेस तिलमिला उठी। बीजेपी के खिलाफ जिस केंद्रीय सियासत की अगुवाई कांग्रेस कर रही थी ममता उसी पर चोट कर रही थी। इस हमले का जवाब दिया पश्चिम बंगाल के ही कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने। यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है क्या? पता नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। ये साजिश आज के नहीं बल्कि पुराने साजिश है और आज उसके ताकत और बढ़ गए हैं, इसलिए उनके पीछे मोदी जी खड़ा बैठे हैं। इसलिए ये तना तरह तरह की बहाना बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास में वो जुटी हुई है। ममता के बयान के जवाब में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोली भी सामने आ गए। कांग्रेस के ही नेतृत्व में बीजेपी के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। स्टेट लेवल की जितनी भी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ विरोध में लड़ती है वो सभी ने कांग्रेस के ही नेतृत्व में यूपीओ में आकर इस बीजेपी जैसे व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक साथ आना चाहिए। ममता ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मात दी है और शरद पवार महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट पाने वाली बीजेपी को सत्ता से दूर रखने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ अपने परंपरागत गढ़ों में भी कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है। ऐसे में ममता बनर्जी के बयान के बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस के बगैर विपक्ष ने अपना भविष्य देखना शुरू कर दिया है। यहाँ ये भी गौर करने लायक है कि ममता ने हाल ही में दिल्ली दौरे में सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की थी। मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो कांग्रेस के खिलाफ ममता बनर्जी की बयानबाजी ने बीजेपी को खुश कर दिया है। ममता की आड़ में बीजेपी को राहुल गांधी पर हमले का मौका मिल गया। अभी जो राजनीति ममता बनर्जी कर रही है सबको डोमिनेट करने का,
बाकी विरोधी लोग जो उनके साथ कभी थे वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन गोवा जाए, कहीं हिमाचल जाए, उत्तर प्रदेश भी जा सकते हैं, लेकिन वो ना उनको कुछ प्राप्त होगा ना किसी को मदद कर सकते हैं। हो सकता है जहां कांग्रेस कमजोर हो गया है वहां के दो चार रिटायर्ड या टायर्ड नेता को साथ में ला सकते हैं, एक दो % वोट भी ला सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बंगाल को लूट करके पूरा देश में टीएमसी को फैलाने की जो प्रयास हो रही है, बंगाल के लोग इसमें खुश नहीं है। सवाल तो उन्होंने ठीक ही उठाया है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व वास्तव में यूपी के लिए एक प्रकार की लायबिलिटी बन गया है, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। जो स्टैंड है यूपीए के नेताओं के या कांग्रेस के, वो इतने अपरिपक्वता से भरे हुए होते हैं कि उसको डिफेंड करना तक मुश्किल होता है। अब जैसे अभी राज्यसभा के अंदर जो स्टैंड लिया गया, उसका उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। नियमानुसार उनको निलंबित किया गया, वह आखिरी दिन पर किया गया, ये तो कोई बात ही नहीं है। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं इसी प्रकार से नई परंपराओं का निर्माण भी करते हैं, तो जो उनके स्टैंड है एक विषय पर नहीं, प्रत्येक स्टैंड विषय के ऊपर वो इतने अजीबोगरीब होते हैं, उससे लगता है कि बिल्कुल अपरिपक्वता है, दिशाहीनता है। मुंबई दौरे में ममता एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिली तो, लेकिन सिविल सोसाइटी के सदस्यों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात में बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल थी। उन्होंने सरकार पर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मुंबई आई ममता बनर्जी फिल्म जगत की कुछ हस्तियों और बुद्धिजीवियों से भी मिली, जिनमें जावेद अख्तर, महेश भट्ट, ऋचा चड्डा, स्वरा भास्कर, कुब्रा सेठ और मेधा पाटकर जैसे नाम शामिल हैं। सबने अपने अपने मन के सवाल और बातें ममता के सामने रखी, जिनका ममता ने जवाब दिया। शाहरुख खान के ममता बनर्जी से अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। इस मीटिंग में शाहरुख खान को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए ममता ने बीजेपी को अलोकतांत्रिक और क्रूर बताया। आई नो वॉइस यू आर बीन विक्टिमाइज्ड आल्सो, शाहरुख इज आल्सो विक्टिमाइज्ड, देयर आर सो मेनी, समबडी कैन ओपन देयर फेस, समबडी कैन नॉट ओपन देयर फेस। ममता ने कहा कि वो बीजेपी हटाओ और देश बचाओ की रणनीति पर काम कर रही है और यूपी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। जब तुम जिएंगे तब तक लड़ेंगे, और लड़ने के लिए आपको रास्ता निकालना चाहिए। आज भी बहुत टाइम है, वक्त है। हम यूपी इलेक्शन में इसी के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करने जा रहा है कि लेट देम कॉन्टेस्ट, इफ दे आर फेल देन आई विल गो देयर। इसमें हमारा क्या एडवाइज है? किसी को ना किसी को तो करना चाहिए। महाराष्ट्र आई एम नॉट कमिंग, वी आर सपोर्टिंग आवर फ्रेंड्स, लेट देम डू द जॉब्स। ममता ने बीजेपी पर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस मीटिंग में एनसीपी नेता माजिद मेमन भी पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया कि बंगाल और महाराष्ट्र मिलकर लोकसभा में बीजेपी को कमजोर कर सकते हैं। आप और शरद पवार अगर इकट्ठा हो जाएं, आप दोनों के पास महाराष्ट्र और बंगाल में 90 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें आज 40 सीटें उनके पास है। हमें स्ट्रैटेजी बनानी है कि वी हैव टू रिड्यूस देम टू हाफ और लेस देन दैट। हाउ महाराष्ट्र एंड बंगाल कैन टेक लीड, सेम थिंग कैन बी फॉलोड एज़ वेल। ममता ने उनसे मिलने आई हस्तियों और बुद्धिजीवियों से अपील की कि वो देश के कोने कोने में जाकर बीजेपी की असलियत लोगों को बताएं। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। रुख अब उत्तर प्रदेश का करेंगे, जहां पर चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। आज गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की रैलियां हैं। अमित शाह सहारनपुर में मां शाकुंभरी कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। जिनके हाथ में सरकार है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के सियासत में आज रैलियों का गुरुवार है। सियासत के तीन बड़े नाम आज उत्तर प्रदेश में होंगे। गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर में,
आज मां शाकुंभरी देवी राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मुरादाबाद में रैली करेंगी, तो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का चुनावी विजय रथ आज ललितपुर पहुंचेगा। ये तस्वीर सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों की है। करीब 35,000 लोगों के बैठने लायक पंडाल सज चुका है, कुर्सियां लग चुकी हैं, बस इंतजार है अमित शाह का। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे और मां शाकुंभरी देवी राजकीय महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कल इस शिलान्यास समारोह में विशेष रूप से शिरकत करेंगे और उनके आगमन को लेकर एक उत्साह का वातावरण बना है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। कल युवा मोर्चा हो, हमारे सभी मोर्चा हों, प्रकोष्ठ हों, सभी नेताओं, पार्टी के जनप्रतिनिधि गण, सभी लोगों ने लगातार जनसंपर्क चलाया हुआ है और सब लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। शहर में सीएम और देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा सख्त कर दी गई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 35,000 लोगों की भीड़ आएगी, उस हिसाब से हम लोगों ने पर्याप्त जो जोन से और जोन के बाहर से सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। जो हमारी चेकिंग होती है, एंटी सबोटाज चेकिंग होती है, वो सब कर ली गई है और इसके अलावा जो विभिन्न बिंदु हैं जिस पर दिक्कत आ सकती है, उस संबंध में ब्रीफिंग में हम लोगों ने सभी लोगों को अवगत करा दिया गया है। इनकी डीब्रीफिंग भी हो गई है। हम लोग इंश्योर करेंगे कि स्पेशली यातायात मुख्य दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यातायात बाधित ना हो, जिससे जो जनसभा स्थल में अटेंड करने जो पब्लिक आ रही है उनको आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। ये तैयारियां मुरादाबाद में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली की हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ प्रियंका गांधी का कट आउट लग चुका है, साथ में इंदिरा गांधी का भी कट आउट है। तैयारियों का जायजा लेने कल खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे। निश्चित तौर से जो उत्साह, जोश और विश्वास और भरोसा दिख रहा है, हमें उम्मीद है कि जन जन की है यही पुकार अब की बार कांग्रेस की सरकार। देखिए, वक्त की बात है, समय बदला है और जिस तरह कांग्रेस पार्टियां सशक्त विपक्ष के रूप में जनता के बुनियादी सवालों पर संघर्ष कर रहे, कार्यकर्ता लाठी खा रहा है, जेल जा रहा है, सरकार के दमन के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ, किसान, नौजवान, गांव, गरीब और महिला सुरक्षाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी जैसे संघर्ष कर रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को इस सरकार ने 4 बार जेल में डाला, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 दिन से लेकर 3 महीने तक जेल में डाला इस सरकार ने, मुझे सैकड़ों बार गिरफ्तार किया, मुझे जेल में डाला। जिस तरह बदलाव की बयार है और इस बार कांग्रेस की ही सरकार है। उधर अखिलेश का विजय रथ कल बुंदेलखंड पहुंच गया, कल बांदा से महोबा की यात्रा की, आज उनका रथ ललितपुर पहुंचेगा। बांदा में कल अखिलेश अमन त्रिपाठी के परिजनों से भी मिले और न्याय का भरोसा दिलाया। न्याय मिले, सीबीआई जांच हो, आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती है, सरकार क्या सच्चाई दबाना चाहती है। जब परिवार इतने दिन से बैठा है, उन्होंने बेटा खोया है, तो सरकार की जिम्मेदारी है परिवार को न्याय दें। हमने परिवार से निवेदन किया है कि धरना न दें, समय सरकार बनेगी तो हम उनका जो चाहेंगे, जिस तरीके से जाँच कराना चाहेंगे, हम जाँच के लिए तैयार हैं। यूपी में चुनाव अगले साल की शुरुआत में है, लेकिन सभी पार्टियां चुनाव प्रचार का शंखनाद कर चुकी हैं। इसमें आज का दिन बेहद अहम हो गया है। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज, मुरादाबाद से शरद गौतम और महोबा से नाहिद अंसारी के साथ आज तक ब्यूरो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय यात्रा बुंदेलखंड में होनी है। आज तक ने अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है सबसे ज्यादा बदहाली रहती है, और 2 बार प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, महोबा आ चुके हैं, प्रियंका गांधी भी आ रही है और अब आप भी आए हैं। बुंदेलखंड कैसे सुधरेगा, बदहाल कैसे? बुंदेलखंड आते आते भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए। बुंदेलखंड यही पुकारता नहीं चाहिए भाजपा, और इस बार बदलाव होना तय है, क्योंकि यहाँ का जो मुद्दा है, जो भरोसा यहाँ की जनता को दिलाया गया था, जनता ने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। सब लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत गई, सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2-2 सरकारें हैं। आखिरकार आज भी बुंदेलखंड प्यासा क्यों है? बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं है? यहाँ किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है?
इन तमाम सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, ना ही उनकी सरकारें दे पाई हैं। इसलिए बुंदेलखंड की जनता ने फैसला लिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश से और खासकर बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी जीरो होगी। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना रही है बीजेपी और हर घर नल की योजना भी शुरू की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अभी पूरा नहीं हुआ है। बुंदेलखंड को जरूरत है यहाँ की मंडी चले, खेत में पानी पहुँचे। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि आने वाले समय में जहाँ प्यास बुझे बुंदेलखंड के लोगों की, वहीं किसानों को दो फसल पैदा करने के लिए पानी मिले। और साथ ही साथ आज जब कड़वा तेल महंगा है, सरसों तेल महंगा है, 200 पार कर दिया इन्होंने, आने वाले समय में समाजवादी सरकार इंतजाम करेगी कि यहाँ पर भी कहीं न कहीं ऐसा उद्योग कारखाना लगे जहाँ पर कड़वा तेल बनाया जा सके और सस्ता लोगों को सरसों का तेल मिल जाए। केशव मौर्य हैं उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की बारी है। 4.5 साल पूरे हो गए हैं, इन्हें जवाब देना है महंगाई का। समाजवादी पार्टी और जनता जानना चाहती है कि आखिरकार महंगाई पे बुलडोजर कब चलेगा, बेरोजगारी पे बुलडोजर कब चलेगा। जिस सरकार के पास कोई अपना काम बताने को न हो, चीन के एयरपोर्ट की तस्वीर लगाते हैं, यहाँ पर कारखाने दिखाने हो तो अमेरिका के कारखानों की तस्वीर छापते हैं, अपना फ्लाईओवर बना नहीं पाए तो बंगाल का फ्लाईओवर दिखाते हैं, जो विज्ञापन में झूठ बोलते हैं, जो अपने विज्ञापन जनता में छपवाते हैं, वो छपने वाले विज्ञापन झूठे हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो सच बोलते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, मजदूर इनका सफाया करेंगे। और अब बात किसान आंदोलन की करेंगे। किसानों ने फिर दोहराया कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला है। कल सोनीपत के कोंडली बॉर्डर पर पंजा के 32 किसान संगठनों की बैठक में तय किया गया कि जब तक लिखित में सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तब तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। पंजाब के किसान नेता सतनाम सिंह अजनाला के बयान से जो उम्मीद बंधी थी वो 24 घंटे के भीतर टूट गई। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर कल पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक फिर से हो गई और साफ किया गया कि किसान अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये अफवाहें पर मत जाएं कि हम लोग जा रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो प्रधान जी ने पहले बताई है कमेटी के बारे में, मैं उसका दोहराव नहीं करूंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी इकट्ठा होकर पूरे प्रांतों के लोग लड़े हैं, भले ही पंजाब का ज्यादा हिस्सा हो, फैसलों में ज्यादा हिस्सा हो, ये हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन अफवाहों में मत आए, हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है। जब तक हमारी जो मांगे केसों वाली एमएसपी की कमेटी बारे जो पूरी तरह कानूनी तौर पर सही नहीं हो जाता, हम कहीं नहीं जाने वाले, ये बात है। किसान नेताओं के मुताबिक तीनों कृषि कानून को निरस्त करना उनकी पहली जीत है, लेकिन एमएसपी गारंटी की मांग अभी पूरी नहीं हुई है। जिस कमेटी की बात उछाली गई है उसकी तस्वीर भी साफ नहीं है। ऐसे में किसान अपने घरों को कैसे लौट जाएं? इसी तरह जो एमएसपी की मांग है उसकी प्रक्रिया बाकी है, वो लिखती रूप में नोटिफिकेशन करें कि कितनी देर में ये कमेटी रिपोर्ट देगी, क्या इस रिपोर्ट की शब्दांत जी अधिकार है क्या होंगे और कमेटी में कौन कौन से जो है सदस्य होंगे। इसलिए ये मांग भी अभी अधूरी है। जब तक सरकार हमारे को नोटिफिकेशन नहीं देती तब तक ये हमारी मांग हम पूरी नहीं समझेंगे। किसानों का कहना है कि गेंद सरकार के पाले में है, फोन कॉल या हवा हवाई बातों से बात नहीं बनेगी, सब कुछ लिखित में करना होगा। कि जब तक ये सरकार हमें लिखती तौर पर ये आश्वासन नहीं देगी, ये कमेटी का नहीं देगी, ये हमारे पास जितने भी हमारे से केस दर्ज हैं उनको वापस नहीं लेगी, उतनी देर तक हम जहीं डटे रहेंगे। दरअसल 2-3 दिन में किसान आंदोलन खत्म की सुगबुगाहट पंजाब के किसान नेता सतनाम सिंह के इस बयान से शुरू हुई थी कि सरकार ने किसानों की मांग मान ली है और एमएसपी पर कमेटी के लिए 5 नाम मांगे गए हैं। 2 प्रपोजल भेजे हैं, एक तो प्रपोजल भेजा कि आप जो एमएसपी की गारंटी पर जो कमेटी बननी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी की आने वाले समय में कमेटी बननी है, उसमें 5 नाम आप भेजो। सो सभी मांगे जो है 6 की 6 मांगे पूरी हो चुकी है। संयुक्त मोर्चे की अहम बैठक होगी,
क्या घर वापसी का ऐलान हो सकता है? हाँ, उसी दिन ठीक है, 99% उसी दिन हो सकता है। लेकिन सतनाम सिंह के इस दावे को गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल ने तुरंत खारिज कर दिया। दर्शन पाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसान नेताओं को सोच समझ कर बोलना चाहिए। नहीं, अभी कोई उस तरह की जानकारी नहीं है और जिसको भी संयुक्त मोर्चा कहेगा वो उसमें सब शामिल होंगे। अगर कोई जानकारी इस तरह की है, हमें अभी कोई जानकारी ये नहीं है कि 5 लोगों को कोई सरकार ने बुलाया, ऑथेंटिक कोई वो नहीं आया यहाँ पर भी। सिंह जनाला ने अगर ये अनाउंस किया है तो उनको ये लगता है कि हमारी 100% विक्ट्री हो गई है। जब राकेश टिकैत जी इससे खफा होते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारा MSP का इश्यू तो अभी बाकी है। अब सारी निगाहें 4 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त मोर्चा की बैठक पर टिकी हैं। इसी बैठक में किसान आंदोलन के आगे की दशा और दिशा तय होगी। पवन राठी के साथ अमित भारद्वाज, सिंघू बॉर्डर आज तक। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया में कम से कम 20 देशों में फैल चुका है और डर इस बात का है कि इन देशों से कई यात्री भारत आ चुके हैं। सरकार ने इस वेरिएंट को लेकर 12 देशों को एट रिस्क की श्रेणी में डालकर हवाई अड्डों पर सख्ती शुरू कर दी है। किसी यात्री के जरिए ओमिक्रॉन भारत ना आ जाए, ये डर देश के हवाई अड्डों पर नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन वर्ल्ड टूर करता हुआ भारत भ्रमण पर ना पहुंचे, इसकी तैयारी पुख्ता की गई है। ये दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर दुनिया भर से यात्री आते हैं और हाल फिलहाल में नई गाइडलाइंस के बाद जब वो यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनकी सख्ती से जांच हो रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग एयरपोर्ट के अराइवल पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल पर दिल्ली में मौजूद हैं और यहां से जो भी 11 देशों जो एट्रिस 11 देश हैं वहां से जो यात्री आए हैं उनको अंदर रोका गया है। RT-PCR टेस्ट की पूरी व्यवस्था अंदर की गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 देशों से जो एट्रिस 11 देश हैं उनमें 4 देशों से 1013 यात्री यहां पहुंचे हैं, जिनमें से कुछ ने रैपिड PCR टेस्ट कराया जबकि RT-PCR कुछ यात्रियों ने कराया है। और उन जो एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है जो तमाम जो सुविधा है, जो पूरा सिस्टम है उसको बनाया गया है। कोशिश है कि किसी भी तरीके से ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जाए। दिल्ली एयरपोर्ट पर एट रिस्क कैटेगरी वाले देशों से जो भी यात्री आ रहे हैं उनका RT-PCR और एंटीजन दोनों तरह का टेस्ट हो रहा है और इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई। फिलहाल जो यात्री विदेशों से आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर को नई गाइडलाइंस की जानकारी नहीं है। ये जानकारी उन्हें एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद ही मिल रही। ओमिक्रॉन वेरिएंट का डर इतना है कि RT-PCR या एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा और इसी वजह से कई यात्री परेशान भी हो रहे हैं। कोई गाइडेंस नहीं थी हमको कि आपको PCR टेस्ट कराना है और नहीं तो हम लोग पहले ऑनलाइन बुक करा के आते। उसके बाद दो टेस्ट है यहाँ पे, एक है नॉर्मल टेस्ट और एक है रैपिड फायर। नॉर्मल टेस्ट लाइक वो ले रहे हैं 8 घंटे और जो रैपिड फायर है वो 1 घंटा बोल रहे हैं, बट 1 घंटे में किसी की रिपोर्ट दी नहीं, तो अंदर काफी लोग परेशान हो रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर से कई देशों ने अपने यहाँ हवाई यात्राओं पर पाबंदियां लगा दी। भारत ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ये बात अलग है कि कोविड गाइडलाइंस सख्त कर दी गई और कोविड टेस्ट अनिवार्य, लेकिन इन नियम कायदों से विदेशी और भारतीय यात्री थोड़े कंफ्यूज हैं। Stamp is then done, and which is not very clear to me, because she has to go to quarantine for a week. But we live in Himachal, so we have to go from here with a bus to Himachal. So it is a bit strange. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी हर उस यात्री की जांच की जा रही है जो उन देशों से आया है जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिले हैं। यहां पर एयरपोर्ट के बाहर एक कोविड टेस्ट काउंटर बनाया गया है और यात्री यहीं पर पैसे देकर अपना टेस्ट करा रहे हैं। टेस्ट के बाद 7 दिन क्वारंटीन रहने का वायदा करके उन्हें जाने दिया जा रहा है। मुंबई में पिछले 15-20 दिनों में 1126 ऐसे यात्री आए हैं जो साउथ अफ्रीका से ही मुंबई पहुंचे थे। ये बात अधिकारियों को परेशान कर रही है, इसीलिए अब सावधानी बरतते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर RT-PCR और 30 रैपिड टेस्टिंग मशीनों के जरिए यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। इसमें से मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसमें भी कई सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो कई सारे जो पैसेंजर्स जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड कह लीजिए, चाहे यूरोप कह लीजिए, यूके कह लीजिए, ये सारी कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं उनको तकरीबन सेग्रीगेट किया जाएगा। नॉन रिस्क वाले जो कंट्रीज हैं वहां से जो आ रहे हैं, और उसके बाद
इन सब लोगों की टेस्टिंग जो हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हैं उन सब की टेस्टिंग होगी। कई सारे आरटीपीसीआर के बूथ, एंटीजन टेस्ट, अगर लोगों के कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं तो उसके लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए एंटीजन टेस्ट, ताकि उनको इमीडिएटली रिजल्ट पता चल जाए। तो ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और कहा गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लें। नए वेरिएंट की गंभीरता को समझते हुए कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेट करने और नेगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति को होम क्वारंटीन के निर्देश भी दिए गए। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर भी विदेश से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। पॉजिटिव आने वाले मरीजों को आइसोलेशन के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई। तमाम सख्ती के बावजूद अमेरिका में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका से कैलिफोर्निया लौटे शख्स को ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉसी ने यह जानकारी दी। The first confirmed case of COVID-19 caused by the Omicron variant detected in the United States. And as all of you know, because we've been discussing this, we knew that it was just a matter of time before the first case of Omicron would be detected in the United States. And as you know, I've been saying it, and my colleagues on the medical team and others have been saying it, we know what we need to do to protect people. Get vaccinated if you're not already vaccinated. Get boosted if you've been vaccinated for more than 6 months with an mRNA or 2 months with J&J. And all the other things we've been talking about getting your children vaccinated, masking in indoor congregate settings, etc. बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है हेडलाइंस का।